نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

बड़े धूमधाम के साथ बैंड बाजे के साथ नाच गाने म्यूजिक और डांस के साथ जशन मनाकर नबी की मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं हजरीन आजकल लोगों के बनाए हुए ये त्यौहारों का मतलब होता है दूसरे मजहब वालों को चिड़ाना या डराना अपने रब को ख़ुश करना या रब क्या चाहता है रब के मर्ज़ी के मुताबिक नहीं अपनी मर्जी के मुताबिक त्यौहार मनाकर दूसरे मजाहिब को चिड़ाना दिखाना डराना धमकाना और रोड पे अपना मुजाहरा करना इसको आज हमारे यहाँ पर उतने अजीज में एक ऐसा माहौल बना है कि त्यौहार का मतलब ये हो चुका है और ये सियासत इसका लफ्ज खुद इतना पेचीदा है तो इसका काम कितना पेचीदा होगा आप सोचें कि मजहब के आड़ पे आज लोग सियासत कर रहे हैं जो एक पाकिज़ा कॉन्सेप्ट और तसवर होता है अपने रब को खुश करने रब को मनवाने रब की बारगाह में आवो जारी करना गिरवा जारी करना और इसी इनकसारी के साथ तगफार, ये त्यौहारों का इबादतों का मकस, मकस, मकसद और मतलब होता है वो नबी जो म्यूज़िक सुन के कान में उंगलियां रख लिया करते थे वो नबी जिन्होंने म्यूज़िक को हराम करार दिया वो नबी बैंड बाजे को मल करार दिया कि लानत है इस पर फिटकार है इस पर और आज उस नबी के नाम पर तुम वो सारे काम कर रहे हो जिनको नबी ने हराम किया और नबी ने जिनको लानत किया जिन पर फिटकार किया है कहां से अल्लाह की रहमतें आएगी कहा के अल्लाह की बरकतें बरसेगी बोलो आज मोहब्बत रसूल के नाम पर इहानत रसूल हो रही है आज इश्क रसूल के नाम पर नबी के अखलाक किरदार की धजिया उड़ाई जा रही है आज जुलूस मोहम्मदी के नाम पर नबी को बदनाम किया जा रहा है आज लोग सीरत रसूल के नाम पर बिदा तो खुराफात को अंजाम दे रहे हैं आज लोग जश्न मिलाद के नाम पर नबी के अखलाक और तालीमत को दागदार कर रहे हैं बहुत अफसोस की बात है इसीलिए अल्लाह ताला ने तुरन मजीद में फरमाया अनफाल की आयत है जो कि मैंने आपके सामने पढ़ी और दूसरी रकात में तिलावत भी की है या यादीन आ मानो आईमान वालो ला तख़ूनला तुम अल्लाह के साथ खयानत मत करो और रसूल और रसूल के साथ भी खयानत मत करो अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत का मामला ना करो वो तखुनो अमानात ही को मवा तुम था और तुम अमानतों में खयानत करते हो हालांकि तुम्हें पता है जानबूझकर अमानतों में खयानत कर रहे हो अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत का क्या मतलब होता है हमने अल्लाह उसके रसूल का कलीमा पढ़ा है ला इला मोहम्मद रसूल हाँ हमने ये गवाही दी अशहद्ला वह अशहद मोहम्मद अब्द हो व रसूल जब हमने ये गवाही दी हमने ये इकरार किया है तो गोया कि हमने ये अहदो पैमान कर लिया है अब उसमें खयानत नहीं करना अल्लाह को रब मानते हुए रब के सारे हुकूक अदा करो नबी को रसूल तस्लीम करते हुए रसूल के सारे हुकूक अदा किया करो अगर नहीं करोगे तो खयानत है नबी ने कहा इस्लाम में दो ही ईद है उसके अलावा तीसरी ईद मनाना नबी के खिलाफ है यह खयानत है शिरक बिदा तो खुराफात यह सबसे बड़ी खयानत है क्यों नबी ने जो किया नहीं नबी ने जो कहा नहीं अल्लाह ने जो फरमाया नहीं अल्लाह ने जो उतारा नहीं आप उसको बना ले तो अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत है कि नहीं है बहुत बड़ी खयानत है ये इल्ज़ाम तराशी है लात व रसूल अल्लाह उसके रसूल के साथ खयानत मत करो पैर नबी अलैहि वसल्लम के हकूक हम मालूम कर रहे हैं कि नबी के, के एहसानात बेशुमार हैं नबी का मकाम मर्तबा बहुत अजीम है जब उस नबी के इतने एहसानात हमारे ऊपर हैं तो हमारे ऊपर भी नबी के कुछ हुकूक आयद होते हैं जिनका निभाना जिनका जिनका अदा करना अजहद ज़रूरी है उसके बग़ैर नबी के मोहब्बत और इतात का हक हाँ अदा नहीं हो सकता प्यारा नबी सल्लम के हुकूक में से पहला हक हाँ हमने कल मालूम किया वो है ईमान और दूसरा हक हाँ नबी की इतात व फरमाबरदारी अल्लाह ताला ने अहले से खिताब करके भी फरमाया, या फरमायादिन आई ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल का जवाब दो यानी जब वो तुम्हें पुकारें तुम्हें दावत दें, तुम्हें बताएं तुम्हें तालीम दे तो फौरन मान लिया करो बात तस्लीम किया करो अती अल्लाह रसूल अल्लाह उसके रसूल की इत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो अल्लाह उसकी रसूल की इताद जिसमें नहीं है वह अमाल बर्बाद है बर्बाद है इताद किसका नाम है देखेंगे सोचेंगे अभी उम्र क्या है अभी वक्त नहीं आया है बाद में देखा जाएगा ये इताद का नाम नहीं है साहबा ने इताद कैसे किया देखो अल्लाह ने ऐसे ही उनको नहीं चुना साहबी रसूल मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के रसूल ने किसी से कहा इजलिस बैठ जाओ बस उनके कान से आवाज टकरा गई नबी की जुरात क्या है क्या आगे बढ़े वही बैठ गए नबी ने कहा बाद में यहां क्यों बैठे हो कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी आवाज कान से टकरा गई बैठ जाओ बस में बैठ गया यह हमें पता नहीं है कि किसको कहा किसको जा बताया गया है आपने कहा बैठ जाओ हमें यह जुरात ही नहीं है कि हम आगे बढ़ जाए प्यार नबी सल्लाम को नमाज की हालत में साहबा ने देखा कि आपने जूतियां निकाल दी आपके जूते में गंदगी थी फरिश्ते ने आकर आपको बताया रुकू की हालत में आपने जूते निकाल के बाहर रख दिया साहबी ने देखा कि आपने जूते निकाल दिए सारे साहबा ने आनन फानन बिलफोर फौरन नमाज की हालत में ही जूतियां निकाल दी नबी ने पूछा तुमने जूतिया क्यों निकाली है अल्लाह के रसूल हमें यह मालूम नहीं है हमें सिर्फ इतात करना आता है हमने आपको देखा निकालते हुए हमने निकाल दिया है लेकिन आज देखो क्या है कहां इतात है वो अभी उम्र क्या है बाद में देखा जाएगा हा और फिर जब अपनी आदतें अपने अखलाक किरदार अपनी बातें आ जाती है अल्लाह उसके रसूल के सामने तो आदमी छोड़ने तैयार नहीं होता है इमामों की बात बुजुर्गों की बात आ जाए अल्लाह के रसूल की बात ठुकरा देते हो इमामों और बुजुर्गों की बात नहीं ठुकराते हो बताओ अल्लाह ने सूरह हुज़रात की ابتدائی आयतों में इताअत रसूल की सारी बातों को बयान कर दिया है या अय्युहल लदीना आमनु ला तुक्ददुमुललाह वर रसूल ला तुक्ददुमु बैन यदाई लाही वर रसूल का कि अयमान बोलो तुम अल्लाह उसके रसूल के सामने आगे ना बढ़ो किसी भी चीज को तुम अल्लाह उसके रसूल के सामने मुक़द्दम ना रखो किसी की बात किसी के कौल किसी की आदत किसी के अतवार और किसी के स्तदलाल, किसी की फिक्र और नजर किसी को नहीं अल्लाह उसके रसूल पर मुकदम ना रखो सबसे मुकदम यही है ये हजरत हंजलाबेदारी की मिसालें देखो हजरत हंजल्लाहु शादी हुई है पहली रात में बीबी के साथ है अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान हुआ कि लोगों निकल चलो निकल चलो अल्लाह के रसूल का ऐलान है अल्लाह के रसूल की तरफ से बात कान में टकरा गई इतनी देर भी गवारा नहीं कि गुसल करके निकले कहा कि नहीं अल्लाह को क्या जवाब दू अल्लाह के रसूल को क्या जवाब कि इतनी तखिर भी गुंजाइश नहीं है फौरन निकल गए और मैदान कारजार में जामे शहादत नोश फरमा लिए जब लाशों की तलाशी ली गई साहबा ने देखा कि हंसला रजियाल्ला की लाश भीगी हुई है नबी से दरियाफ्त किया गया क्या माजिरा है कहा के हंजला नापाक थे बीवी से मिले थे और उसी हालत में शहीद हुए फरिश्तों ने आकर उनको गुसल दिया उनको लकब दिया गया गसिलई का फरिश्तों का गुसल दिया हुआ अल्लाह अकबर हाजरीन आज वो ताबेदारी कहा गई बोलो कहाँ गई वो ताबेदारी हमारे और आपकी सोच मिजाज और फिक्र और नजर जब आ जाती है हम क्या करते अल्लाह उसकी रसूल की बात को ठुकरा देते हैं खास तो से रिश्ते के मामले में जबान से कहते हैं दीनदार होना चाहिए वो सिर्फ बात जबानी है दिल में कुछ और रहता है क्या होना चाहिए अच्छे मालदार होना चाहिए उसके बाद हैंडसम या खूबसूरत होना चाहिए दीनदारी वो सेकंड नंबर पे नहीं थर्ड नंबर पे भी है ना हो तो भी चल सकता है यहाँ देखो प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की एक सहाबी जिनको कहा जाता है जुलई बिब एक सहाबी उनका नाम है जुलई बिब देहाती सहाबी नाटे कद के थे देखने में कोई बड़े खूबसूरत नहीं थे नाटे कद के थे कपड़े वगैरह बुन के आके मदीने में बेचा करते थे प्यारे नबी वसल्लम उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे बड़ी मोहब्बत करते थे और उनसे अपनाइयत के साथ मजाक भी कभी किया करते थे कभी उनको पीछे से पकड़ लेते एक मरतबा कहा जुलाई बीब शादी नहीं किए कि नहीं अल्लाह के रसूल कौन मुझसे रिश्ता करेगा शादी करोगे कि अगर आप अल्लाह के रसूल फरमाएं तो एक काम करो मदीने के फुला घर में जाओ पता है उस घर में एक लड़की है और जाकर कहो कि अल्लाह के रसूल ने आपकी बेटी का रिश्ता देने के लिए कहा मुझसे गए हजरत जुलाई भी जाने के बाद नाक के दरवाजा खिटखिटाए कहा कि अल्लाह के रसूल की तरफ से आया हूँ अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा नबी ने मुझे सलाम कहा वो लड़की के वालिद साहब बाहर आए नबी ने सलाम कहा बाग बात बहुत खुश हो गया कहा कि एक दूसरी बात भी है वो क्या है कहा कि आपकी बेटी से रिश्ता करने के लिए भी कहा है आपका बेटी का रिश्ता मुझे देने के। अच्छा ऊपर से नीचे देखकर जरा खामोश हो गए मेरी बेटी के लिए मुनासिब नहीं है आगे बढ़ने तैयार नहीं है लेकिन बेटी देखो अल्लाह अकबर बेटी अंदर से बात सुन रही थी उसके बाद जब बाप ने कहा कि मैं सोच के मशुरा करके बताऊंगा फौरन बेटी तड़प गई कहा कि अल्लाह अबुझान आपको पता नहीं है अल्लाह ने क्या कहा है अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की तात नहीं करोगे आजाब आएगा अजाब आएगा फलिया बाहुम फितना और युसी बाहुम आदाब नूर में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने कहा अगर तुम अल्लाह उसके रसूल रसूल की मुखालफत करोगे रसूल का हुक्म के तुम सरताबी करोगे अल्लाह का अजाब आएगा और तुम्हें फितने में दो चार कर दिया जाएगा अब बुचान यह आयत आपके सामने नहीं है नबी ने कहा और आप सोचेंगे बात कह रहे हैं फौरन रिश्ता दे दीजिए आप मत देखो कि यह कैसा है अल्लाह हु अकबर बाप भी तड़प गए बेटी के इस्तेदलाल से कहा कि चलो मंजूर है हमने रिश्ता कर दिया आए आने के बाद नबी से कहा हजरत जुलाई बिब ने अल्लाह के रसूल मेरी मेरा मेरी शादी हो गई दिल बाग बाग हो गया खुश हो गए हैं वो अल्लाह के रसूल ने उनको दुआ दी आई अल्लाह तो इन जिस जोड़े में बरकत देना इनके मालो औलाद में भी बरकत देना अब तक देखो गरीब थे अल्लाह ने इतना नवाज दिया नबी की बदौलत और नबी की दुआ की वजह से और इनकी नबी की ताक की वजह से मुझे बड़े मालदार बन गए और इतनी औलाद और इतने मेल मिलाप के साथ दोनों रहा करते थे मदीने में लोग मिसाल देते थे जोड़ी हो तो जुलाई और उनकी बीबी की तरह होना चाहिए जुलाई बीब ये आई बोलो नबी के तो फर्मा बरदारी और मैं आपको कितनी मिसालें दूं वक्त नाकाफी है इतने सारे इस मिसालें हैं कि साहब ने इतात के ये जो नमूना दिए है ना अल्लाह अकबर आज हमारे पास कहाँ है वो सब चीजें बताने, बात बताने सुनने सुनाने और किताबों में पढ़ने पढ़ाने की हद तक है अमल की बहुत सख्त जरूरत है नबी का दूसरा हक है इतात और इतात का लाजिमी तकाजा मोहब्बत का लाजिमी तकाजा है इतात नबी से एक हक है और नबी से मोहब्बत का लाजि